नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब 23 मई 2017 का करंट अफेयर्स देखेंगे और पीछे का जो करंट अफेयर्स है, पिछला करंट अफेयर्स, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बिल है उस पर भी क्लिक कर लें। और आपका वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक हो वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी घटनाक्रम आज घटी है। फर्स्ट में आता है भारत आंतरिक विस्थापन में तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के एक निगरानी केंद्र ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि 2016 में भारत में लगभग 2.4 मिलियन लोग संघर्ष, हिंसा और आपदाओं के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे, जो विश्व स्तर पर तीसरे सबसे ज़्यादा है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र और नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसने भारत को आपदाओं से संबंधित विस्थापन से प्रभावित देशों के बीच चीन और फिलीपींस के बाद तीसरे स्थान पर रखा है। यह कहा गया है कि संघर्ष, हिंसा और आपदाओं के कारण 2016 में 31.1 मिलियन नए आंतरिक विस्थापन हुए। सबसे ज़्यादा विस्थापन चीन में दर्ज किए गए, जहां 7.4 लाख लोग प्रभावित हुए। उसके बाद फिलीपींस 5.9 मिलियन और भारत में 2.4 मिलियन लोग और इंडोनेशिया में 1.2 मिलियन लोग विस्थापित हुए। अरुणाचल की महिला ने 5 दिनों के भीतर 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह की। अरुणाचल प्रदेश की एक पर्वतारोही अंशु जामसेपा ने 5 दिनों में माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करके इतिहास रच दिया है। 2 बच्चों की मां जमसेपा ने 16 मई को 4थी बार विश्व के सर्वोच्च शिखर को फतेह किया था। जमसेपा ने 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह 21 मई को 5वीं बार माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मोदी ने किया कांडला बंदरगाह की 993 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांडला बंदरगाह के विकास से जुड़ी आधा दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लागत 993 करोड़ रुपये है। जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया उनमें एक सम्मेलन केंद्र का निर्माण भी शामिल है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होगा। मोदी ने यह सुझाव भी दिया कि कांडला बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया जाना चाहिए, जो हमेशा समाज के हर तबके उत्थान के लिए खड़े रहे। इन परियोजनाओं में 2 मालवाहन वर्थों का निर्माण, 1 फ्लाईओवर, 2 चलायमान हार्बर केरन मशीनों का लगाया जाना और उर्वरक को संभालने की सुविधा विकसित करना शामिल है। फेडरल बैंक ने नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। फेडरल बैंक ने जियोजित से के सहयोग से ग्राहकों के लिए सेल्फी नामक एक नया व्यापार मंच लॉन्च किया है। जियोजित द्वारा डिजाइन और प्रबंधित किया गया व्यापार मंच उपयोगकर्ताओं को समय समय पर अनुसंधान इनपुट के साथ साथ अपने निवेशों पर पूर्ण नियंत्रण देगा ताकि वे अच्छे निवेश कर निर्णय ले सकें। सेल्फी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की विशेषताओं में कई प्लेटफॉर्म उपकरणों का एक उन्नत चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर एक समान अनुभव है जो उपयोगकर्ताओं को सीधे चार्ट से व्यापार करने में सक्षम बनाती है। कर्नाटक बैंक LIC के बीच करार हुआ है। कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने LIC के जीवन बीमा उत्पादों के बिक्री के लिए भारत जीवन बीमा निगम LIC के साथ समझौता ज्ञापन MOU किया है। बैंक ने मंगलुरु में एक LIC के साथ कॉरपोरेट एजेंसी करार पर हस्ताक्षर किए। बैंक के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाबलेश्वर MS ने कहा कि इससे बैंक अपनी सभी 769 शाखाओं में अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों का विशाल विकल्प प्रदान करने में सक्षम होगा। HDFC लाइफ ने भारत का पहला जीवन बीमा ईमेल रोबोट लॉन्च किया। भारत की अग्रणी निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक HDFC लाइफ ने भारत का पहला जीवन बीमा ईमेल रोबोट लॉन्च करने की घोषणा की है। SPOK नामक ईमेल रोबोट मिली सेकेंड्स में HDFC लाइफ को ग्राहकों द्वारा भेजे गए ईमेल स्वचालित रूप से पढ़, समझ, श्रेणीबद्ध और जवाब दे सकते हैं। इस स्वचालन पहल से HDFC लाइफ उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का तेज और अधिक कुशलतापूर्वक और लगातार जवाब दे सकेगी। जैकलिन फर्नांडिस ने ब्रिटेन का मानवतावादी पुरस्कार जीता। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार और लेखक जेफरी आर्चर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। एक प्रमुख ब्रिटिश एशियाई न्यूज वीकली एशियन वॉइस द्वारा संचालित चैरिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार NXT UK
को प्रस्तुत किया गया था जो चिंता संबंधी विकार वाले लोगों की सहायता करने के लिए काम करती है। फर्नांडिस ने मानवता के लिए हैबिटेट चैरिटी के साथ मिलकर काम किया है। वर्षों तक विभिन्न चैरिटी संगठनों की सेवाओं के लिए आर्चर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को मिले 2 पुरस्कार। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को 2016-17 में परिचालन अधिशेष में सर्वाधिक वृद्धि तथा माल ढुलाई में भी इसकी सबसे बड़ी वृद्धि हासिल करने को लेकर नौवहन मंत्रालय से 2 सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन पुरस्कार मिले हैं। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष पी रविंद्रन और उपाध्यक्ष ए बी रमना ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं नौवहन मंत्री नितिन गडकरी से यह पुरस्कार ग्रहण किए। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने 2016-17 में 127.72 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हासिल किया जो उसके पिछले वित्त वर्ष के 70.89 करोड़ रुपये से 80% अधिक है। वर्ष 2014-15 में परिचालन लाभ 19.55 करोड़ रुपये था। फेडरेशन कप बेंगलोर एफसी ने मोहन बगान को 2-0 से हराकर खिताब जीता। कटक के बाराबाटिया स्टेडियम में मोहन बगान को 2-0 से हराकर बेंगलुरु एफसी ने हीरो फेडरेशन कप के 38वें संस्करण को जीत लिया है। बेंगलुरु एफसी के दबदबे वाले फाइनल में सिक्के विनीत के 107वें और 119वें मिनट में किए गए गोल ही दोनों पक्षों के बीच मुख्य अंतर रहे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है फेडरेशन कप जिसे प्रायोजक कारणों के चलते हीरो फेडरेशन कप भी कहा जाता है 1977 में शुरू एक सालाना नॉकआउट स्टाइल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। मोहन बगान ने सर्वाधिक 14 बार फेडरेशन कप जीता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इंडिया 2017 ईयरबुक किताब जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि द्वारा लिखी इंडिया 2017 ईयरबुक पुस्तक जारी की है। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी उपस्थित थे। पुस्तक को मैग्रा हिल एजुकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा प्रयास कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।